सो हेलो गाइस, यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फाइनल खेला गया था गाइस कल के दिन, जहाँ पे गाइस इंडिया लॉस हो गई थी। तो इसके लिए गाइस कोई नहीं भाईस, यहाँ पे अगली बार इंडिया जीतेगी। तो गाइस यहाँ पे ये मिचेल मार्श ने गाइस ये गलती कर दी थी। तो वर्ल्ड कप की अहमियत नहीं है उनको, वर्ल्ड कप के बारे में पता नहीं है, वो वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इंसान जो है अपने वर्ल्ड कप को जीतने के लिए इंसान तरस जाता है, लेकिन यहाँ पे मिचेल मार्श उनको लगता है वो नींद में थे, वो शराब की धुन में थे, और वो उन्होंने यहाँ पे गाइस यहाँ पे वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखा है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। और वहाँ पे गाइस ट्रैविस हेड भी हैं, वो किसी ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी है, कोच वगैरह होगा, वो भी प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, वो तो बेचारा बैठा हुआ है। तो मेहक अग्रवाल इन सब ने यहाँ पे इसके बारे में बोला है कि यहाँ पे इन लोग को यहाँ पे वर्ल्ड कप की इज्जत नहीं है। मिचेल मार्श क्योंकि गाइस यहाँ पे वाटसन ने भी कहा था मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी, ये वर्ल्ड कप के ऊपर जो पैर रख बैठे हैं, ये बोतल में दारू का बोतल लेके बैठे हैं हाथ में। तो गाइस यहाँ पे ये अफवाह फैल गई है। हाँ ये सच है। तो यहाँ पे गाइस मैं भी वर्ल्ड कप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल मैच मिचेल मार्श वायरल फोटो शो मिचेल मार्श। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मिचेल मार्श पैर रख के खड़े हुए हैं। ये गाइस न्यूज़ बहुत तेज फैल रही है और ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे बेइज्जती करते हुए, वर्ल्ड कप के ऊपर बेइज्जती करते हुए आपके सामने गाइस यहाँ पे फोटो में दिखाया जा रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फैंस जो है नाराज़ हैं। तो पहली बार आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, हाँ भाई खुशी मनाओ, हाथ में लेके मनाओ, भगवान ने हाथ पैर दिया है, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है, तो आप लोग हाथ में लेके मनाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, बेइज्जती हो रही ना, ये तुम्हारी नहीं हो रही है, ये देश की बेइज्जती हो रही है। जो वर्ल्ड कप तुम जीता है ये हमारे इंडिया से जीता है, अपने घर से नहीं जीता है, नहीं तो अपने घर जाके खेलते, यहाँ पे इंडिया में तुम आए, इंडिया में तुम मैच खेले, फिर भी ये ट्रॉफी की बेइज्जती कर रहे हैं। भाई ऐसा खिलाड़ी को मैं कभी भी देखूँगा नहीं, ऐसे क्रिकेटर को मैं कभी देखूँगा नहीं।